लाहौल वाला कुवत। या अल्लाह असलम भाई, तुम इतने बड़े हो गए, जमान हो गए, तुमसे रोजे नहीं रखे जाते। तुम घर से टिफिन पैक कराते हो और पब्लिक से चुपक के खाते हो और घर पे गए तो आज हमारा रोजा है। अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नुम में डालेगा असलम भाई। जमील भाई, ऐसे लोग अल्लाह के खौफ से नहीं डरते। आकाश, फिर से तेरा। अब कब तक ऐसे खाना खिलागा मुझे तू? और कौन खिलागा फिर? कोई और है तेरा इस दुनिया में यार अलावा? चुपचाप खाना खा ले आकाश, ड्रामे मत कर ले। तू भी तो खा। मेरा रोजा है, मैं खा नहीं सकता हूँ, तू खा। क्या लगा रखा है रोज रोज का? ये मेरा गैरेज है, कोई दरगाह नहीं। त्यागी जी, कम से कम इसको खाना तो खाने दीजिए। कोई खाना वाना नहीं होगा, टाइम ओवर हो गया। चल बे, सब समय इट इज है, चल काम पे लग। और हाँ, सबके सब कान खोल के सुन लो, मेरे गैरेज में दोबारा से कोई आतंकवादी ना आ जा। त्यागी, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, बल्कि तेरी जैसी सोच रखने वाले लोग आतंकवादी होते हैं। और सुन ले, असलम आकाश, तू ठीक है ना? आकाश, आकाश क्या हुआ थी? अच्छा हुआ जो तेरे माँ बाप जिंदा ना, अगर आज जिंदा होते तो अफसोस कर रहे होते कि कैसे मुसलमान दोस्त बना लिया तू। त्यागे, असलम भाई, असलम भाई क्यों उस आकाश के चक्कर में पड़ रहे हो? दोस्त है वो मेरा। दोस्त? लाहौल बिला कुब्बत। असलम भाई, हिंदू किसी के दोस्त नहीं हुए। मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारी दोस्ती हो कैसे गई उससे। भाई साहब, बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ इसका तो। खून बहुत निकल लिया इसके तो। मुश्किल है जो बचेगा ये। अरे भाई साहब, कितना खून निकल गया, इसको अस्पताल लेके क्यों नहीं जा रहे? कौन पड़ा पुलिस के लबड़ में, टाइम ना इतना। अरे भाई साहब, इसे बचा लो यार, अस्पताल लेके जाओ कोई। बचेगा तो है ना, हम क्यों टाइम खराब करें। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो आप? इसको मैं नहीं लेके जाऊंगा, इसको ये पुलिस कैसे आएगा? असलम भाई, असलम भाई कहाँ खो गए? असलम भाई, ये हिंदू मुशर्रफ अली, तू और उस त्यागी, दोनों की सोच में रत्ती भर फर्क नहीं है। तुम जैसे लोगों ने ना हमारे भारत देश में नफरत का जहर घोल लगा है। खुदा हाफिज। ये फिर तुझे पता है ना त्यागी जी? तो त्यागी जी छोड़, तू इधर रख, खा। इसे तू ले जा, मैं मेरा रोजा है, मैं नहीं खा सकता। रोजा आज भी? हाँ, आज तो अलविदा का रोजा है। तुझे पता है आकाश, सबसे बड़ा रोजा होता मुसलमानों का अलविदा का। और मैं बता रहा हूँ, आज की अफ्तारी तू करवागा मुझे, सही है? अफ्तारी करवा देगा ना? हाँ हाँ, मैं करवाऊंगा। मैं चलता हूँ, नमाज का टाइम हो रहा है। वो फॉर्च्यूनर की स्टेपनी बांध जाके चल, जल्दी पैसे लेने आ जाते हैं। हाँ भाई बोल, तेरा क्या काम है? त्यागी जी, इस महीने की पगार दे देते। भाई इस महीने की तो तूने एडवांस ले रखी है। एक महीने की और दे दो एडवांस त्यागी जी, कैसे भी करके उतार दूंगा। ओवर टाइम कर लूंगा मैं। देख ले, रात के 12 बजे तक होती है ओवर टाइम। जी कर लूंगा। एक
अरे सुन वापस आ, क्या करेगा इन पैसों का? त्यागी जी वो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी ऐसी जरूरत पड़ गई। अबे सच सच बता। त्यागी जी वो आज असलम का अलविदा का रोजा ना, तो उसको अफ्तारी करवानी है। इधर ही हेलो, कब, कहां पर, कैसे? मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे। रिलैक्स। एक्सीडेंट की वजह से आपके बेटे का ब्लड ज्यादा निकल गया है, तुम जल्द से जल्द एम निगेटिव का इंतजाम करो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी करता हूं। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लो डॉक्टर साहब, मैं खून का जुगाड़ नहीं कर पाया डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लो डॉक्टर। परेशान मत होइए, आपके बेटे के लिए खून का इंतजाम हो गया, एक नौजवान मुस्लिम लड़का था। आकाश, क्या हुआ आकाश, क्या हुआ तुझे, रो क्यों रहा आकाश तू? असलम कुछ ना, मैं तेरे लिए। क्या मेरे लिए आकाश? क्या आकाश? असलम मैं तेरे लिए। मेरे लिए क्या आकाश? मैं तेरे लिए अफ्तारी। अरे आओ भाई जल्दी, अरे रोजे का टाइम हो रहा है, जल्दी आओ। अरे आकाश देख के रहा है, असलम का रोजा, जल्दी लेके आ, अजान हो रही है, जल्दी आ, जल्दी उठो जल्दी। लो असलम। नहीं त्यागी जी बहुत हो गया, त्यागी जी अब नहीं, तुम जाओ। वैसे आकाश एक बात बतानी थी, मेरा रोजा नहीं था आज का, मतलब था लेकिन टूट गया। ऐसा था, एक बच्चे को ब्लड की सख्त जरूरत थी, तो मैंने अपना रोजा तोड़ के उसको ब्लड दिया था। एक नौजवान मुस्लिम लड़का था।